उन्नाव में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि किसानों पर लाठीचार्ज के बाद यूपी पुलिस अब बैकफुट पर आ गई है। सोमवार को पुलिस प्रशासन आंदोलनकारी किसानों से बात कर मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। हम लोग शंकरपुर सहाय गांव में हैं। हमारे साथ हमारे एडिशनल एसपी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं और लोकल एसडीएम हैं और यहां पे जो गांव के जो ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं वो भी हैं और किसान हैं हमारे जो 2045 किसान जो इससे आच्छादित हैं। आज हम लोगों ने जो मीटिंग किया है एक मोरल बूस्टअप के लिए मीटिंग किया गया है। एक संवाद स्थापित करने की कोशिश किया गया है कि हम लोग जो किसानों की समस्या है जो यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों को सुननी चाहिए थी और यदि कुछ उसकी रह गया है, कुछ लोगों ने जैसे बताया कि जो विस्थापन का पैसा था कुछ लोगों का रह गया है और कुछ लोगों ने बताया कि हमारी जो 6% जमीनें जो करार नियमावली में दी गई थी वो अभी हमें चिन्हित नहीं की गई हैं, तो हमारे द्वारा भी यूपीएसआईडीसी को यही निर्देशित किया गया है कि सबसे पहले जो किसानों को 6% विकसित जमीनें दी जानी थी वो डिमार्केट की जाए, उस पर कब्जा दिलाया जाए और जो एक जो संवादहीनता की स्थिति बनी हुई थी उसको खत्म किया जाए। सभी किसानों से ये अनुरोध किया गया है कि हम प्रत्येक एक एक किसान जो इससे आच्छादित हैं हम 1-to-1 उनसे बात करेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ट्रांस गंगा सिटी परियोजना के तहत शंकरपुर में किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसे लेकर शनिवार और रविवार को यहां पर जमकर बवाल हुआ था। उन्नाव के शंकरपुर गांव में किसानों और पुलिस के बीच बड़े बवाल ने तमाम किसानों के चोटें आई हैं, तमाम लोगों को पीटा गया और ये आप देख सकते हैं यहां वो किसान लोग हैं जिनको पुलिस ने मारा है। उनकी शिकायत ये है कि उनके साथ पहले तो ज्यादती हुई और मुकदमा भी उन्हीं लोगों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। इसमें अब तक 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और ज्यादातर लोगों को चोटें आई हैं जो किसान वहां पर उस वक्त विरोध कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहां पर ये बुजुर्ग हैं जिनके चोट आई है और काफी निशान है, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुशील कुमार त्रिवेदी। आपको कैसे चोटे हैं, किसने मारा था? हमको बुलाया गया डीएम साहब, एडीएम साहब आ रहे हैं बात करने और हम गए वहाँ, कह रहे तुम नेता बनते हो, एडीएम साहब ने पहले एडीएम साहब ने मारा। नहीं तो क्यों मारा, किस वजह से विरोध क्यों बढ़ा? कुछ नहीं, कैसे मारो साहब को, ये बहुत नेता बनते हैं। नहीं तो उस वक्त जब बात कर रहे थे आप लोग क्या मांग करने के लिए गए थे? हमने कहा था जो हमारा सरकारी रेल के हिसाब से 4 गुना उस 4 गुना हमको पैसा मिलना चाहिए और हमारे जो 6% जमीन है वो जमीन हमें मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि वो 3 बार इसमें मुआवजा दे चुके हैं। नहीं मिला है, 2 बार गिरा है, पर एक बार पाठक जी दिया था 5 करोड़ और 7 लाख वो गेसिया का मिला है।